नमस्ते। आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगी इसके लिए, बिकॉज आज थोड़ा सा बाहर शोर है और चाह के भी मैं उसको अवॉइड नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ मेन रोड पे काम चल रहा है। उसकी वजह से आई कैन सी एंड हेयर दैट हमिंग वॉइस। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो के दौरान थोड़ी सी परेशानी है तो प्लीज़ इस चीज़ को माफ़ करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं शाम तक वेट नहीं कर सकती उस वीडियो को बनाने के लिए। जब मैंने क्रिस्टल्स की दुनिया में कदम रखा तो मैं सोचती थी कि शायद ये जो अलग अलग शेप्स दी जाती हैं क्रिस्टल्स की, ये इस वजह से दी जाती होंगी कि एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट देना है तो आप अलग अलग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में देंगे तो ऑब्वियसली सब लोग लेंगे। तो ऐसा सोचते हुए मैंने इनिशियली यही सोचा कि शायद ये कि नॉर्मली आप कितना ब्रेसलेट पहन लोगे, मतलब कोई कहाँ तक ब्रेसलेट्स पहन लेगा, तो शायद इसीलिए टंबल्स बना दिए होंगे, शायद इसीलिए रिंग्स बना दी होंगी, ज्वेलरी बना दी होगी, माला बना दी होगी या ट्रीज़ बना दिए होंगे। बहुत हद तक मुझे बहुत अरसे तक समझ में नहीं आया कि हर एक चीज़ का एक अपना सिग्निफिकेंस है और उसकी एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम किस तरह से अपने अंदर लेना चाहते हैं, ये सारा डिफरेंस उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो, आप कहेंगे मैम कम टू द पॉइंट, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी चीज़ को लेकर, और वो है हम बात करेंगे पेड़ों की, ट्रीज़ की। ये मेरे पास जो है ये 7 चक्रा का ट्री है, 2000 बीड्स हैं इसके अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है। तो आज मैं क्रिस्टल ट्रीज़ की बात करूँगी कि क्रिस्टल में ट्रीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, आप किस तरह से इन ट्रीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपको कहाँ ज़रूरत है, और इन ट्रीज़ से हम क्या मैजिक ला सकते हैं। बहुत बार हम बहुत से क्रिस्टल्स नहीं पहनना चाहते, यानी हर कोई हाथ में ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता, सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स होते हैं। 7 ऐसे वेज थ्रू विच आप ट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं और 7 तरीके से आप अपनी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो मैं बात करूंगी फेंग शुई की। फेंग शुई से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों को समझ में आता है और बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आता, क्योंकि फेंग शुई जो साइंस है वो वास्तु से डिफरेंट है, हटकर है। वास्तु की बात की जाए तो ऑब्वियसली हम वास्तु की बहुत सी रेमेडीज़ करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं, और इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ बैलेंस में नहीं है तो उसको बैलेंस में ले आया जाए। तो मैं आपसे बहुत बेसिक सिंपल सी बात करूंगी। अगर आपको नॉलेज है फेंग शुई की, बहुत अच्छा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या करें, सिंपल आप फेंग शुई की रेमेडीज़ 2 से 3 कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में आपको चेंज मिल सकता है। अब जब हम बगुआ मैप देखते हैं, बगुआ मैप मीन्स फेंग शुई के हिसाब से हम अपने पूरे घर को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ उससे रिलेटेड मैम एक वीडियो बना दीजिएगा ताकि हमें पता रहे हमारे घर का कौन सा पार्ट है जिसमें हमें क्या एनहांस करना है, तो मैं डेफिनेटली, आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उससे ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर अभी तो मैं मोटी मोटी बात करूंगी, बेसिक सिंपल बात करूंगी। तो अगर आपको लगता है, जैसे आप अपने घर में जहाँ से भी घुसते हैं, जो दरवाज़ा है जहाँ से आप अपने मेन डोर से, मैं मेन गेट की बात नहीं कर रही, मैं आपके घर के मेन डोर की बात कर रही हूँ, मेन डोर से अंदर घुसे और आपके घर का जो एक्सट्रीम लेफ़्ट होगा वो वेल्थ कॉर्नर होता है और जो एक्सट्रीम राइट होता है वो रिलेशनशिप कॉर्नर होता है। तो आज मैं इन्हीं 2 एरियाज़ की बात करती हूँ और वो भी सिंपल रेमेडीज़ बताऊँगी आपको। जो सबसे पहले वेल्थ कॉर्नर है जो कि आपका एक्सट्रीम लेफ़्ट है, यानी आपने अपने घर का दरवाज़ा, अब वो कहीं भी खुलता हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप अगेन मैं कहूँगी वास्तु के हिसाब से नहीं बता रही, फेंग शुई के हिसाब से बता रही हूँ, आप क्रिस्टल के ट्री कहाँ रख सकते हैं। तो आपने अपने घर का दरवाज़ा खोला और खोल के अंदर घुसे, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वहाँ से आप देखेंगे कौन सा कमरा आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट में पड़ रहा है, यानी घर का, उस घर का जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है वो आपका वेल्थ कॉर्नर है, यानी वो वेल्थ के लिए है। उस कमरे के अंदर आप वेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक क्रिस्टल का ट्री रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा पाइराइट का ट्री है, आप देखेंगे ये बहुत सुंदर सा पाइराइट का ट्री है और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये, राइट। तो आप इसको वहाँ कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और आपके लिए उसको वहाँ प्लेस करने से चेंजेस आने शुरू होंगे, क्योंकि एनर्जी में वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, और दूसरा मैंने बताया था रिलेशनशिप के लिए, अगर रिलेशनशिप के लिए यूज़ करना है तो एक्सट्रीम राइट में जो कमरा है वहाँ रिलेशनशिप रिलेटेड हम कोई भी रेमेडी कर सकते हैं और उससे आपके घर में जो संबंध हैं, यानी it can be between the parents, it can be between the spouse, it can be with the children, grandparents, मतलब जहाँ पे भी हैं वो रेमेडी करते ही आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ लाइफ में चेंजेस आने लगे हैं। उसके लिए आप कौन सा ट्री यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी ऐसा ट्री जो लव एंड हार्मनी इनिशिएट करता है, उसमें आप रोज़ क्वार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ बहुत अच्छा यूनिवर्सल हीलर जिसको मैं कहती हूँ क्लियर क्वार्ट्स का ट्री, एंड क्लियर क्वार्ट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द क्लियर क्वार्ट्स ट्री। ये पूरा बंद है, अगर इसको खोल देंगे तो ये बड़ा सा हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे घर में तो क्लियर क्वार्ट्स का ट्री हीलिंग के लिए मैंने उसको जस्ट इमीडिएटली द फर्स्ट रूम विच वी एंटर वहाँ पे भी रखा हुआ है। दूसरा ट्री हम यूज़ करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको लगता है कि मैंने उसमें वेल्थ वाले रूम में नहीं रखना और मुझे सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए आप इसको पायराइट ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप गोमती चक्रा ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये वेल्थ से रिलेटेड है और गोमती चक्रा का आई थिंक हम सबको इम्पोर्टेंस पता होती है, एज़ दिवाली के टाइम में हम इनकी पूजा भी करते हैं, राइट। तो गोमती चक्रा के ट्री के साथ हम थोड़ी देर बैठकर 10 से 15 मिनट बैठकर, और कोई भी वेल्थ एफर्मेशन मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई है, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, वो वाली एफर्मेशन आप ऑन करिए, इसको हाथ में लीजिए, एफर्मेशन सुनिए, मैनिफेस्ट कीजिए और विजुलाइज़ करते चले जाइए, ताकि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस उस तरह से फ्लो होने लगे। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इनको डेकोरेटिव पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊँगी जहाँ मैंने अपने घर में अपने लिविंग रूम के अंदर इसको नॉट ओनली एज अ डेकोरेटिव ट्री यूज़ कर रखा है। वो बड़ा ट्री है, 5000 बीड्स का ट्री है और मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट लगा रखी है और उसके नीचे, और वो एक अलग ही एम्बियंस शो करता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट वे विच यू कैन यूज़ इज़ एज एनर्जी हीलिंग। जिस पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको चक्रास की नॉलेज है और आप जानते हैं कौन से चक्रा के साथ कौन सा ट्री रेजोनेट करता है, तो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल, अगेन मैं कहूँगी जो चैनल है इस पर क्रिस्टल चक्रास की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और उसमें हर चक्रा से रिलेटेड मैंने 3 से 4 क्रिस्टल्स भी मेंशन किया है हर वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कौन सारी वीडियोस देखेगा मैम, कहाँ सक, अगर आपको नॉलेज है, नथिंग लाइक इट नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल फॉर्म है, अगर उस चक्रा से रिलेटेड कलर और क्रिस्टल की बनी हुई एक सिंगल पीस ऑफ ट्री का लेके आते हो, और आप अपने जब बैठे हो, लेटे हो, अपनी बॉडी के पास उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को रखते हो एज ए ट्री फॉर्म, तो आपको हेल्प करेगा। अगर वो सब नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा तरीका सिंपल, जैसे ये मैंने किया है, 7 चक्रा ट्री मेरे पास में है, और ऑब्वियसली ये सारे कलर्स में है, सारी एनर्जी 7 की 7 है और सब पे काम कर रहा है। तो मैं अगर 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी मेडिटेटिव साउंड म्यूज़िक लगा के सुनती हूँ और इसके साथ अपना समय बिताती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे चक्रास में ओवरऑलिंग तो होनी शुरू हो जाएगी, राइट, एंड आई विल फील द चेंज इन एनर्जी एंड द चेंज इन माय एटमॉस्फेयर ऑल्सो। आप यूज़ कर सकते हो इनको मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के लिए सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्री है क्लियर क्वार्ट्स का ट्री। इसको मैं विश ट्री भी कहती हूँ। आप इससे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और इससे मेडिटेट भी कर सकते हैं, राइट। आप आराम से बैठेंगे और इसके साथ, इसकी एनर्जीज़ के साथ सिंक करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहे इसको होल्ड करें, चाहे इसको सामने रखें, चाहे जिस रूम में आप बैठे हैं, वह पूजा का घर है, कहीं पे भी आप इसको वहाँ पे रख के और थोड़ी देर के लिए मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए। आपको एनर्जीज़ अपनी क्लींस होती हुई दिखेंगी। वैसे भी ये यूनिवर्सल हीलर है, तो जब भी लगता है कि कोई हेल्थ की इशूज़ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द क्लियर क्वार्ट्स ट्री। अपनी विशेज़ इस पर लिखिए, अपने आप को इसके साथ बैठ के मेडिटेट किए, दोनों सूरतों में आपको हेल्प मिलेगी। एक चीज़ और कर सकते हैं, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं तो आप प्लीज़ देखिएगा आपके घर में जो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान क्या होता है, जो पूरा घर का सेंटर आता है। अब भले ही वो फ्लैट हो, भले ही इंडिपेंडेंट घर हो, विला हो, कोठी हो, कुछ भी हो, तो आपके पूरे घर का जो सेंटर वाला पार्ट है ना, अगर वहाँ पे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जैसे मैं देखती हूँ अक्सर लोगों के घर में बड़ी बड़ी हैवी डाइनिंग टेबल्स पड़ी होती हैं, तो आप सेंटर वाला, घर का सेंटर पार्ट देखो, वहाँ बहुत हैवी हैं, तो आप उसमें वास्तु की या फेंगशुई की रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सामान हैवी है उसको वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे एक क्लियर क्वार्ट्स का ट्री एक प्लेस कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ से वो एनर्जीज़ डेफिनेटली चेंज होने लगेंगी। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ट्रीज़ को गिफ्टिंग में। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो देते हैं वो आपके पास पलट कर आता है, आपने क्या दिया किसी को। तो जब भी आप पेड़, यानी अबंडेंस, पेड़ किसकी निशानी है, अबंडेंस की निशानी है, तो जब आप यूनिवर्स में अबंडेंस देने लगेंगे, आप अपने आसपास अबंडेंस बांटने लगेंगे, तो आपके पास कितनी अबंडेंस आएगी इसका कोई मतलब, कहते हैं ना, गिनती नहीं है। एंड आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप एज ट्रीज़ भी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर। अब मैं आती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग के लिए 7 चक्रा ट्री से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर हमें नॉलेज नहीं है हमारा कौन सा चक्रा हीलिंग मांगता है या कहाँ हमारे बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, एनी ऑफ द इश्यूज़ जो हमारे आउटर वर्ल्ड में है, यानी हम बाहर से जिस तरह से बिहेव करते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, टेंशन ज़्यादा रहती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बहुत घबराहट होती है, डर होता है, क्रिएटिव माइंड काम नहीं करता, सैड रहते हैं, ये सारे जो है ना ये फीलिंग्स और ये इमोशंस और ये हमारा जो बाहर का वर्ल्ड है ये शो करता है, मतलब हमारी आउटसाइड पर्सनालिटी शो करती है। लेकिन इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण हमेशा होता है आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, यानी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है या फिर अंडर एक्टिव है कोई सा चक्रा, या हो सकता है ओवर एक्टिव भी हो। तो ऐसे में जब अगर आपको मालूम है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट, उससे रिलेटेड क्रिस्टल ट्री ले आइए, बॉडी के उस पार्ट, चक्रा वाले पार्ट के पास रखिए, बैठिए और उसको आराम से शांति से रामादासा वाला मेरा चार्ट लगाइए और उसको पूरा 10 मिनट तक सुनिए। आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नज़र आएगा। अगर आपको लगता है मुझे नहीं पता मैम कौन सा चक्रा है, और ऐसा नहीं है कि आज ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो ज़िंदगी भर ये चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा, या आज ही ओपन हो गया तो 5 दिन के बाद दोबारा, या 10 दिन या 20 दिन में दोबारा ब्लॉक नहीं हो सकता या स्लो डाउन नहीं हो सकता। इट्स अ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस, है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ये तो सिंपल रामबाण इलाज सभी का है। तो ये 7 चक्रा ट्री लिया और इस ट्री के साथ बैठे और बैठ के थोड़ी देर रामादासा वाली मेडिटेशन चलाई। तो अब आप बोलोगे मैम इतनी सारी कैसे करें, क्या हम सारे ट्री लेके आ जाएं? क्या हम अपने हर घर, मतलब हर कमरे में उससे रिलेटेड ट्री रखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जिससे रेजोनेट करते हो, आपको जो पसंद आता है वो करोगे। आप कपड़ों की दुकान पर जाते हो, उसके बाद आप सारी साड़ियाँ तो उठा के नहीं आते हो ना, आपको जो पसंद आती हैं, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, जो आपकी इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं, जो कहती हैं मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मुझे खींच रही है अपनी तरफ, तो आप उसी को ही तो लेकर आओगे ना। तो सिमिलरली यही कहानी है ट्रीज़ की। ट्रीज़ सोर्स हैं अबंडेंस का, ट्रीज़ बात करते हैं बहुत सारी अबंडेंस की। इनको अपने घर में ज़रूर शामिल करिए और वाकई में चेंज आप खुद से महसूस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑन क्रिस्टल्स, और मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी जिससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग विद निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आपका तहे दिल से आभार और शुक्रिया, और अगली वीडियो के साथ आपके सामने आती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, के का डाल दीजिए, आर का डाल दीजिए। सब्र रखो, सबका आएगी, सबकी बारी आएगी। मैं ऐसे रैंडमली पिक करती हूँ और कोई सा भी लेके आ जाती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे किसका चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगी। सिमिलरली क्रिस्टल रिलेटेड कहाँ से और क्या नॉलेज चाहिए आप बताएंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगी। फेंग शुई से रिलेटेड चाहेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड ऑल्सो बड़ा वाला थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर माई 7 चक्रा वर्कशॉप विच इज़ कमेंसिंग फ्रॉम 15। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए।